कभी केंद्र में मोदी की सरकार है, बिल्कुल तानाशाह बनी हुई है। और वो 2014 से आज तक एक रुपया भी रसोईया को नहीं बढ़ाई है। 12 महीना का वेतन चाहिए, 10 महीना का मिलता है। हाँ, 9 बजे जाते हैं, 4 बजे आते हैं, झाड़ू लगवाता है पूरा रूम में। बच्चा अगर पैखाना कर देगा तो वो भी साफ करवाते हैं। शिक्षक खाते हैं भी वो भी साफ करवाते हैं। साफ कर धमकी देता कि नहीं करेंगे तो यहाँ से हट जाइए। नौकरी छोड़ के हट जा, ना कर लेके मानना तो नौकरी छोड़ के हट जा, हम दूसरा बहाल कर। देशवा में बैठल बा ए मोदी सारा कर निकल के देखाना सखी हवे देशा बेचाओ निकल के देख। अभी 8 बजे रसोईया को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि 5 बजे तक रहना होगा। हम यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं, अपना हक और अधिकार मांगने आए हैं। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद हैं और उधर बिहार विधानसभा में सत्र भी चल रहा है, लेकिन जो सरकारी स्कूल में रसोई खाना बनाने की काम करती हैं वो आज पटना के गर्दनी बाग में आप मौजूद हैं। किस लिए आए हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है? माधुरी गुप्ता मेरा नाम है। कहाँ से? हम लोग बिहटा से आए हैं और ये पूरे बिहार की रसोईया हैं और ये अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ आई हैं। क्या इनका 13 फर्स्ट नाम है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, मानदेय जो अभी मात्र 10 महीना का मिलता है वो 12 महीना का दे, अभी मात्र 1650 रुपया मिलता है, कम से कम 10,000 रुपया मानदेय दे, उनका साल में 10 सूती साड़ी, 2 सूती साड़ी दे, 2 जोड़ा सूती साड़ी दे, उनका ईपीएफ पीएफ के लाभ दे और उनको जो रिटायरमेंट होने के बाद कम से कम 10 लाख रुपया उनको दे और उनका महीना रिटायर के बाद उनको पेंशन जो मिलता है वो कम से कम 3,000 दे। मतलब स्कूल में जो धमकी दिया जाता है आज भी, उनको निकाल देने का धमकी, आंदोलन में जाने से धमकी, तो ये धमकियां देना बंद करे सरकार के द्वारा। बिल्कुल, ये मास्टर भी तो सरकार का ही अंग है। दूसरा चीज है कि अभी केंद्र में मोदी की सरकार है, बिल्कुल तानाशाह बनी हुई है और वो 2014 से आज तक एक रुपया भी रसोईया को नहीं बढ़ाई है। जो पहले कांग्रेस के सरकार में जो 6,000 रुपया मिलता, 600 मात्र 600 और बिहार सरकार 400 देता था उस समय 1,000 रुपया, लेकिन नीतीश कुमार इधर 650 मिलता है, अभी उनको मात्र 1650 रुपया मिलता है, जिसमें 1650 रुपया में उनका 600 रुपया केंद्र सरकार और 650 रुपया बिहार सरकार, तो ये परसेंटेज केंद्र सरकार का 60% होता है, बिहार सरकार का 40%, लेकिन अभी तक केंद्र और राज्य दोनों एक साथ है, इसलिए दोनों लोग मिल गए हैं और मिल करके 10,000 रुपया नहीं देते हैं तो इनका आने वाला समय में चक्का जाम कर देंगे, इनका चक्का जाम होगा, इनका कुर्सी का घमंड टूटेगा, इनका कुर्सी का गाते थे आप लोग गीतवा गाइए ना कबाले बनैबू बनी सकुली हमें खाना वानी कल के दे खाना होनी कल के दे खाना अपने देशवा के हाला आनी कल के दे देशवा में बैठल बा ए मोदी सारा कर निकल के देखाना सखी हवे देशा बेचाओ निकल के देख रेलावा के बेचा ले जा वो के बेचा ले निकल के दे साथी सकूलियों के बेचा निकल के देखाना साथी सकूलियों के बेचा ले राजावा में बैठल बा रे नीतीश मोदी सारा का वानी कल के देखाना उतावे तानाशाह आनी कल के देखाना उतावे हिटलर साई आनी कल के दे जिलावा में
बैठल बा ए डीएम घूसा खोरा आ निकल के देखाना जारी करे फरमाना। अभी 8 बजे रसोईया को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि 5 बजे तक रहना होगा, तो ये फरमान जारी करते हैं। बलौकावा में बैठल निकल के देखाना साखी मारा ना ले घुस। अभी रसोईया के बहाली के नाम पर 10,000 घुस मांगा जाता है, 10,000 घुस। रसोईया कई रसोईया मर गई है, उनका अभी तक 4 लाख रुपया जो अनुग्रह अनुदान राशि के द्वारा दिया जाता था अभी तक नहीं मिला है, उसमें 40,000 का घूस मांगा जाता है। इसी तरह से जो है रसोईया को आंदोलन में जाने से रोका जाता है, तो ये जो तानाशाही हिटलरशाही सरकार चल रही है, इनको उखाड़ फेंकने के लिए आज का आंदोलन है और संकल्प ले। मेरा नाम अनीता सुनह हुआ और एपवा के राज्य सचिव हैं, जो महिला संघ। क्या मांग है आप लोग का? मांग है कि रसोइयों को 10,000 मानदेय दिया जाए और उनको मेडिकल सुविधा जाए। बहुत जोखिम भरा काम है, बड़ा बच्चों को खिलाती हैं, उनको मेडिकल सुविधा दिया जाए, पेंशन दिया जाए रिटायरमेंट की उम्र के बाद, उसके बाद इनको मनुष्य का दर्जा। महिलाएं भी इंसान हैं और हमको इंसान के रूप में समाज में जीने का अधिकार दिया जाए। इन्हीं सारी मांगों के साथ आज का ये हमारा धरना चल रहा है। और आप जानते हैं कि मोदी जी खास करके जब से सत्ता में आए हैं, महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। सिरचर को बेटा था 10,000 रुपया मांगा। हाँ, 1650 मिलता है। पुर की रसोईया के चाउर निकालने के दरमियान गोर पैर पर बोरा गिर गया और उनका दोनों पैर टूट गया। एक पैसा इलाज के लिए नहीं मिला और न ही उनको बीआरसी में सूचना किया गया। तो इस तरह से घटनाएं घटती है। बहपुरा में रसोईया के पैर पर खिचड़ी गिर गया, जल गया, तो विभिन्न प्रकार का समस्या है और ये तमाम समस्या से निजात पाने के लिए आज का आंदोलन है। आप लोग कब पैसा बढ़ाना चाहते? हाँ, बढ़ाना चाहते हैं। कितना? 10,000 चाहिए, 12 महीना के वेतन चाहिए, 10 महीना के मिलता है। हाँ, 9 बजे जाते हैं, 4 बजे आते हैं, झाड़ू लगवाता है पूरा रूम में, बच्चा अगर पैखाना कर देगा तो वो भी साफ करवाते हैं, शिक्षक खाते हैं भी वो भी साफ करवाते हैं, साफ करिए। धमकी देता है कि नहीं करेंगे तो यहाँ से हट जाइए, हट जाए, हटा देंगे, धमकी देता है। नौकरी छोड़ के हट जा, न कर ले के मानना मत, नौकरी छोड़ के हट जा, हम दूसरे बहाल कर। अभी 1600। हाँ, 1600 मिलता है। आप लोग 10,000 चाहते? हाँ, हम लोग 10,000 चाहते। महीना का वेतन मिलता है? हाँ, 12 महीना खटते हैं, 10 महीना 50 रुपया का डेली पड़ता, ऐसे डेली रोजा करेंगे तो 300-350 रोजा है। क्या मांग है? आज हम लोग जो पूरे जिला से चल करके आज गर्दनी बाग पटना में आए हैं, हम लोग का कहना यह है कि जिस विद्यालय में रसोईया दीदी काम करती है उसे मात्र 12 महीने काम करती है, सरकार जो है 10 महीने की मानदेय देती है। तो आज हम लोग मांग करने आए हैं कि 10 महीने के नहीं, हम लोग को 12 महीने का मानदेय चाहिए, और जो अभी जो 1650 रुपए मिले उसे हम लोग का भरण पोषण नहीं होता है, इसलिए तत्काल हमें 10,000 रुपए मिलना चाहिए। महंगाई इस तरह का है, अगर जो महंगाई का असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है, अगर जो महंगाई इस तरह का है, अगर जो हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो 2024 में ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो हमारी मजदूरी न दे। हम यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं, अपने हक और अधिकार मांगने आए हैं। और मेरा नाम विभा भारती हुआ, जिला अध्यक्ष। तो ये सभी रसोई कर्मी हैं और इन लोग की मांग है, जो इन लोग की सैलरी है 1600 रुपया मिलता है, लेकिन इन लोग चाहती हैं कि अब 10,000 रुपया मिले। मोदी पर भी गुस्सा है और कह रहे हैं कि 2024 में ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो गरीबों की, जिस तरह से महंगाई हो रही है तो गरीब
लोग आखिर कैसे करेगा, महंगाई का पूरा असर पड़ रहा है, ये लोग साफ करें। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।